काका बाब धन राम राम। हूँ तुम्हारे उसमें आई मुकेश वर्मा। खबर ले एक बात करी कि एक ग्राम पंचायत ने आदेश जारी करो कलेक्टर ने 25,000 नो जुर्मानों का नोटिस अने कि एक ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर कार्रवाई नहीं करी तो तीनी हारो जहाँ एक कलेक्टर पर कार्रवाई करी 25,00,000 नो जुर्माना केवी रीते। हाँ कि हूँ पूरे मामलों बताऊँ। ए बैतूल जिलों से मध्य प्रदेश में बैतूल जिलों से थाना बैतूल में छिसोरू थाना करीन से ता एक महिलाएं पत्र आवेदन लिखे आत्महत्या कर तीन पर तीना पति आत्महत्या कर और तीन पर हाना कारण थी करी हूँ थाई तीन पर जांच करवा हर इसी बात तीन महिला ने जांच नहीं करी पत्र लिखी ने एसपी ना लियो आवेदन लिखे पर दिल्ली पर कोई सुनवाई नहीं थी। फिर तीन महिला ने साल 2021 में आवेदन आ लेती पर ती पर कार्रवाई केम नहीं थी। इन्हीं वर्ष में हूँ थायू कि जहाँ एवं रीते तीनी हारू भटकी भटकी थाकी की हर जगह तो तीनी ग्राम पंचायत तीना गांव नहीं ग्राम पंचायत में क्योंकि ये मध्य प्रदेश नो पहलो है वो केस है कि कलेक्टर पर कार्रवाई की ग्राम पंचायत ग्राम सभा प्रस्ताव करे आखिर हेम क्यों एम के भाई ग्राम पंचायत में वो पावर आने मिले कि पुरानी धाराएं से एक आने दुनिया में ग्राम पंचायत थी मोटी कोई कोर्ट नहीं मारे नी कोर्ट थी मोटी कोर्ट कहवाई कौन ग्राम पंचायत इमा जो फैसलो थे तो पूरी दुनिया ने मानव पड़े पर हेवी रीते आज ते अधिकार अपना त्या हेवी रीते जो पुराना कानून बनावेला त्या घना घना इना नेताओं चक्कर में भूलता गया नगाड़ी नाही गया त्या बदा अधिकार अपना कम थी गया। आज भी ग्राम पंचायत ने त्यो अधिकार से पहले हो तो भी अधिकार हेवी रीते कहावत से कि भाई जी भी खुटाड़ा है अगर झापा में हो कहीं भी मामलों है तो अपन कोर्ट वाला भी कहता हूँ बहन ग्राम पंचायत में बहन खुटाड़ दो केम के तुम भी मालूम कि ग्राम पंचायत में हेवी धारा लगाड़ी मिली और इन धारा ने तहत कार्रवाई करें चाहे वो प्रधानमंत्री हो कलेक्टर हो के एस पी हो के चाहे वो मुख्यमंत्री हो तीन पर कार्रवाई थाय केवी रीते कि तीन धारा ने अंदर कार्रवाई तो ये रीते महिलाएं सिसोरी थाना में आवेदन करेलू तीन पर कोई समय थी गो पर तीन पर कोई जांच नहीं करी नहीं कही नहीं तो तीन हारू तीन प्रताड़ित थे ग्राम पंचायत में कि ग्राम पंचायत तो पुराना आदेश ने अनुसार बात करी कि भाई पुराना आदेश केवी रीते सरकार निकालो से जो भी तुमने हूँ पूरी कहानी इन्हें बता दूँ हेवी रीते ये कल थाई से कि बैतूल जिले में एक ऐसा मामला सामने आया संभव मतलब प्रदेश में पहले एवं केस आयो कि जिसमें ग्राम सभा जिला प्रशासन पर जुर्माना लगाया आदेश पुलिस की प्रताड़ना तंग आकर खुदकुशी करने वाला था और आदिवासी महिला आदिवासी का है और जिसकी पत्नी 25,00,000 रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश पर आदिवासी गांव की पारंपरिक ग्राम सभा में बैतूल जिले के कलेक्टर को दिया। ग्राम सभा में आदेश और प्रस्ताव जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट मतलब आपू इन की एक जिला नो मजिस्ट्रेट से एक जज कहवाए कलेक्टर प्रथम श्रेणी न्याय बैतूल को भेजा जिसमें प्रशासनिक गलियारों में हड़का मच गया। एक भी मोटी बात की नानो ग्राम पंचायत अगर कलेक्टर ने जुर्मानो गलत केवी मोटी बात यही रीते दरअसल ये बैतूल जिले के महिला छिछोरी थाना से जुड़ा हुआ है। महिला ने जिले के एसपी को एक पत्र लिखे कि भाई हूँ आवी शिकायत कर रही इनको जांच करो छिछोरी थानों से थानों तिमा पुलिसकर्मी ने उस पति को थाने पर बुलाया था उसके बाद आरोपी बनने के लिए प्रताड़ित किया था मतलब कि कहीं नो कहीं आरोपी नहीं मिले तो भी तीन पुलिस वाला बुलाए तीन आरोपी बनाया तीन प्रताड़ित कर लो तीन बाजी बद चमकाड़ियों है जिना कारण थी ते दुखी थाय तीन आत्महत्या करना की तीन हारू जबरन आरोपी बनाए जाने पर पति सियाराम इस कदर डर गया जिसके घर में जाकर कीटनाशक दवा पी ले दी चमकाड़े पुलिस पर मारी जाए हम कर सबकी वह बदी कहा तो जो घेर जाए फंसी खाई लेती इन न्याय तीन बदी घटना नहीं मालूम पड़े तीन पत्नी ने तो तीन इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हो फिर फिर हूँ थायू ग्राम सभा में सुनवाई दिखाई मतलब कि तीन वीडियो बताड़ियो अने पहले कहता पारंपरिक जे संगीता ने पारंपरिक ग्राम सभा में चेहरा विकास खंड साजापुर में आवेदन प्रस्तुत किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए पारंपरिक ग्राम सभा मध्य प्रदेश राज्य की रूढ़ी जन संहिता माने कि 1992 अनुसूचित जनजाति का पालन कर पीड़ित महिला को वर्तमान में दशा और समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन बैतूल को 25,00,000 रुपये
क्षतिपूर्ति आपूर्ति महिला फरियादी महिला को देने का आदेश दिया और ग्राम सभा ने उसकी प्रतिलिपि कलेक्टर न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी क्षेत्र न्यायालय बैतूल को भी प्रेरित किया गया। मतलब तिहुन भी आवेदन आ दी भाई, हमू यहाँ आदेश आ लें कि तुम ये आदेश में पालन करो पड़े कि रूढ़ीवार परंपरागत ये आवेदन बनायू से अन ये ग्राम पंचायत ने 1992 ने आधार थी जे में लागू से तीना हिसाब से जी महिला ने तीना पति ने पूरेपूरो बताया कि तीना आदमी केव रीते मारियो अन तीन पूरा दस्तावेज तो भी पुलिस ने बराबर जाँच केम नहीं कर रही इन्हीं हाल तो तीनी यारों ग्राम सभा में तीन बद दस्तावेज देखा बता कागजू देखा उन कारण थी तीनों आदमी मरियो तीना कारण थी बधु देखी अन तीनी यारों ग्राम पंचायते ये प्रस्ताव पारित करियो अने बैतूल ना कलेक्टर ने तहनी गाँव सभा गाँव में गाँव नी सभा मतलब ग्राम पंचायत है तीनी फिर तहना कलेक्टर पर कार्रवाई नो आदेश करियो अन तीनी पर ये जांच मोकलियो कोर्ट नो मजिस्ट्रेट से तीन भी मोकलियो। ग्राम सभा की दौरान वीडियो दिखाया गया मतलब तीनी ग्राम सभा में थाई थे वीडियो भी बताड़ियो बताया गया। मृतक की पत्नी संगीता ने ग्राम सभा की बैठक के दौरान मौखिक रूप से अपने पति सियाराम पर थाना सिचोरी गृह में भी प्रताड़ित करने के बारे में बताया। एक वीडियो ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही मृतक सियाराम की पत्नी किन कारणों से हुई उससे संबंधित दस्तावेज दिखाए गए। ग्राम सभा में यह भी कहा गया कि मृतक सियाराम की पत्नी संगीता ने न्याय की गुहार लगाते प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत की थी लेकिन सिचोरी थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन किसी ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हुए पुलिस विभाग कर्मचारियों को बचाते हुए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और पीड़ित महिला ने वर्तमान दशा को देखते हुए ग्राम सभा में जिला प्रशासन को संगीता को 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए आदेश जारी किए। प्रदेश के सीएम के बेटे हैं बैतूल कलेक्टर। प्रदेश के सीएस के बेटे हैं बैतूल कलेक्टर और कलेक्टर के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने का ये मामला है, हैरान कर देने वाला मामला है। संभव है कि यह मध्य प्रदेश का यह पहला ऐसा मामला है जिसे किसी भी ग्राम पंचायत ने जिला प्रशासन पर इस तरह का जुर्माना लगाया है। और बता दें कि बैतूल जिले में वर्तमान कलेक्टर अमर सिंह बेस है जो कि प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस के बेटे हैं और ऐसे में ये मामला सरकार तक भी पहुँच चुका है। मतलब एक भी मोटी बात कि हमने मध्य प्रदेश में एक मेन से तीनों अधिकारी नो सोरो कलेक्टर से बैतूल में तीनों पर एवं रीते कार्रवाई करवानो एक आदेश करियो कोनी एक नानी ग्राम पंचायत हेवी रीते ग्राम पंचायत ने हेतो मोटो अधिकार आली गई पर आज तीना अधिकार ने बता सरपंच बता भूली गया पर तीना शूँ करे अगर ये जगाड़ी भी दे सरपंच आज जमाना पार खाइन गबड़ो करी भी मिलियो इतने तीहनी कुल हाम हेवू भी थी रहा ये बड़ी बात से हेवी रीते हूँ तुम्हारी वस्तु में फिर हेवी रीतनी खबर लीने आपते रही तुम्हें मारा चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेजो अन तमारा मन में शूँ विचार आए कमेंट बॉक्स में बताने भूलजो मत फिर हूँ एवं रीतनी खबर लेने आते रही और तमु ये खबर भाड़ ली हो तो बीजा मोबाइल में बदा मोकलो ताकि बदाने भी मालूम पड़े ग्राम पंचायत में कितरो पावर से। हेवी रीते हूँ मुकेश परमार फिर एवं रीतनी खबर लेने आते रही काका बाबा बदा राम राम।